इंदौर के C21 मॉल में मंगलवार सुबह भोपाल ATS और इंदौर पुलिस BTS की टीमों ने आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की है। दरअसल इंदौर शहर में आने वाले दिनों में होने वाले त्योहारों को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा इंदौर शहर के जितने भी बड़े मॉल हैं उसमें इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों से आसानी से निपटा जा सके। वहीं ACP आनंद सून ने बताया है कि यह अभियान मॉल भीड़ भाड़ वाली जगह पर आने वाले त्योहारों को देखते हुए इंदौर पुलिस BDDS टीम द्वारा लगातार जारी रहेगा ताकि किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। वही जिस डिपार्टमेंट को जो काम है उसको वह दिया गया है। ये हमारे महानगर में जो अगर कोई संभावित घटनाएं ऐसी होती हैं आतंकवादी घटनाएं उनके लिए अभ्यास हम करवा रहे हैं। इस पूरे अभ्यास में लोकल पुलिस BDDS टीम और ATS भोपाल और इंदौर की टीमें शामिल हैं जो ये अभ्यास कर रही हैं। बेसिकली कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद हमारे पुलिस कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर साहब के आदेशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। जितने बड़े बड़े मॉल हैं, होटलें हैं जहाँ पे VIP ठहरते हैं या जो बड़े मॉल हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे समय इन्हीं सभी मॉलों में की जाएगी। सर, क्या आतंकवादी गतिविधियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, वो मेन फोकस बना हुआ है? बिल्कुल, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए यदि इस तरह की कोई घटनाएँ होती हैं तो उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, इसकी SOP क्या होगी, किस डिपार्टमेंट के लोग को क्या कार्रवाई करनी है, ये सब इसमें हम सिखाया जा रहा है। आगामी त्यौहार भी शहर में भी बड़े इलाकों में भी यदि कोई मॉकड्रिल या कोई चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल, आगामी त्यौहारों को और भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा समय समय पर लोकल पुलिस के द्वारा BDDS टीम के द्वारा उनको चेकिंग की जाती है, उनकी रेकी की जाती है और वहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहें इसका पूरा प्रयास किया जाता है। मॉकड्रिल में क्या मेन एक्सरसाइज की जा रही है? ये मॉकड्रिल हमारी सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी के होने पर जो किया जाएगा उसका अभ्यास है। आनंद सोनी, ACP सिक्योरिटी इंदौर।